अरब के बाद भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। आने वाले दिनों में चीन से सटी सीमा पर तनातनी और बढ़ने की आशंका है। दोनों देश सीमा पर अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में लगे हुए हैं। रक्षा प्रणाली और तकनीक के बारे में चीन को काफी शक्तिशाली बताया जाता है, लेकिन भारत भी कुछ कम नहीं है। एक्टिव सेना के मामले में भले ही कम हो, लेकिन मिसाइल, विमान और परमाणु हथियारों के मामले में मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम है। इस वीडियो में हम आपको भारत और चीन की सैन्य ताकत का एक तुलनात्मक अध्ययन पेश करेंगे, जिससे आपको भी अंदाजा लग सके कि किस में कितना है दम। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी के मुताबिक साल 2019 में रक्षा खर्च के मामले में चीन पूरी दुनिया में नंबर दो पर रहा। उसने कुल $261 बिलियन का बजट डिफेंस के लिए आवंटित किया। वहीं भारत की बात करें तो भारत का नंबर तीसरा है। भारत ने कुल $71.1 बिलियन का बजट डिफेंस के लिए आवंटित किया है। आइए भारत और चीन की सैन्य ताकत का बिंदुवार कंपैरिजन देखते हैं। भारत के पास 13,60,000 सक्रिय मिलिट्री फोर्स है। चीन के पास 21,80,000 सक्रिय मिलिट्री फोर्स है। भारत के रिजर्व सैनिकों की संख्या 28,04,000 है। चीन के रिजर्व सैनिकों की संख्या 14,05,000 है। भारत के पास 4,426 टैंक हैं। चीन के पास 6,457 टैंक हैं। भारत के पास बख्तरबंद वाहनों की संख्या 6,704 है। चीन के पास बख्तरबंद वाहनों की संख्या 4,788 है। भारत के पास 7,414 तोपखाने हैं। चीन के पास 6,246 तोपखाने हैं। भारत के पास 676 विमान इंटरसेप्टर हैं। चीन के पास विमान इंटरसेप्टर की संख्या 1,271 है। भारत के पास वायुसेना में 809 लड़ाकू विमान हैं। चीन के लड़ाकू विमानों की संख्या 1,385 है। भारत के पास 15 पनडुब्बियां हैं। चीन के पास 68 पनडुब्बियां हैं। भारत के पास 150 परमाणु हथियार हैं। चीन के पास 320 परमाणु हथियार हैं। एक अध्ययन में दावा किया गया है कि तिब्बत और शिनजियांग में चीनी हवाई ठिकानों की अधिक ऊंचाई, क्षेत्र में आमतौर पर कठिन भौगोलिक और मौसम की स्थिति के कारण चीनी लड़ाकू विमान अपने आधे पेलोड और ईंधन के साथ ही उड़ान भर सकते हैं, जबकि भारतीय लड़ाकू विमान पूरी क्षमता के साथ हमला कर सकते हैं। इसलिए अगर लद्दाख क्षेत्र की बात करें तो भारत का पलड़ा भारी लगता है। इसके अलावा भारत के पास युद्ध के लिए तैयार और दुनिया की सबसे अनुभवी थल सेना है, जो विषम परिस्थितियों में भी डटी रहती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा